वेलकम टू माय चैनल फोटो टेक्निकल। दोस्तों आज हम कोई भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखिए हमारे पास फाइलें हैं एक्सेल की, पावर पॉइंट की और वर्ड की। मैं वर्ड में आपको करके दिखा देता हूँ, सेम प्रोसेस आपको सब में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, जो लिखा हुआ हम चाहते हैं कि पीडीएफ में बन जाए, ठीक है। ये स्टेप्स आपके सभी में सेम रहेंगे, आपकी वर्ड की हो, एक्सेल की हो, या किसी भी चीज़ की, या जे इमेज भी हो, यहाँ तक की इमेज को भी मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आप ऑफिस बटन पे जाइए, वहाँ पे आपको प्रिंट की कमांड मिलेगी, या आप कंट्रोल के साथ पी, कंट्रोल पी शॉर्टकट की जो होती है यूनिवर्सल, वो प्रेस करें तो आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे जो भी प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हैं वो ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रिंटर की बजाय आपको करना माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ध्यान रखना ये ज़रूर चेंज करना है। और यहाँ पे आप कोई भी जो भी पेज निकालना चाहते हैं, सारे को करना चाहते हैं सबको, या करंट पेज या पेज नंबर डाल के, तो करंट पेज करते हैं हम, ओके करते हैं। ये आपके लिए सेव के लिए बोलेगा कि आप ये जब पीडीएफ कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो आप कोई भी लोकेशन दे दीजिए यहाँ पर डेस्कटॉप की, यहाँ पर तो फाइल का नाम डाल दीजिए, उसके बाद कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद ये आपको वहाँ पर सेव हो जाएगी जहाँ पर आपने लोकेशन दी थी, और वहाँ पर जाके आप चेक करेंगे, देखिए पीडीएफ बन चुकी है आपकी। ये सेम प्रोसेस आपको सब में करना है, ठीक है। आपकी एक्सेल की फाइल हो, या पावर पॉइंट की हो, या कोई इमेज भी हो, ठीक है। तो इन तीनों में आप करके देख लेना, मैं आपको इमेज का और करके दिखा देता हूँ कि इमेज में कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, प्रिंट की कमांड डालनी है आपको, या तो राइट क्लिक करके कर लीजिए, या कंट्रोल पी करके कर लीजिए। यहाँ पर आपको इमेज में कहीं पर ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, उस पर क्लिक करके कर लीजिए, ठीक है। आपको प्रिंट की ऑप्शन लेके आनी है मेन, तो हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे आपको वही सेम ऑप्शन मिलेंगे प्रिंटर का, तो प्रिंटर पर जाके आपको चेंज करना माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और ये वही सेम आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो आप लोकेशन देके इसको सेव कर दीजिए, आपकी पीडीएफ फाइल बनकर तैयार हो जाएगी, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल फोटो टेक्निकल को। ये देखिए पीडीएफ बन चुकी है, तो ये सब आपके लिए लगे, उम्मीद है पसंद आया होगा। धन्यवाद, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।